بیا ای عزیز دل فاطمه نظر کن که چشم انتظاریم همه به قلب علی بوی زهر و قسم که ما عهدمون السلام علیکم ڈیو برادرز ان سسترز آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ماہ شعبان ہے اور आपको याद है हमारा पहला एपिसोड माँ शाबान को आया था हम सब जानते हैं कि इमाम जमाना आलाम की विलादत हुई थी इस महीने हाँ हमें एक साल हो गया वो भी इमाम का जिक्र करते हुए मुझे इस बात की खुशी है पर मुझे इस बात का दुख है कि इमाम ज़माना का जहूर एक साल हो गया और अभी भी नहीं हुआ कोई बात नहीं कि पिछले साल इमाम ज़माना का जहूर नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्मीद छोड़कर ऐसे ही इंतज़ार करना बंद कर दे लेकिन आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मेरे पास एक अच्छी सी कहानी है आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है मुझे पता है इमाम हुसैन की जंग के पहले बन का एक जो आदमी था उसे पता था कि इमाम हुसैन इधर करबला के मैदान में शहीद होने वाले हैं तो वो आदमी रोज आता और चेक करके जाता कि इमाम हुसैन आए अभी करवला के मैदान में कि नहीं कुछ भानों से के कभी शिकार करने कुछ और काम से कभी कुछ और काम से लोग उससे पूछते और मना करते जाने पर जब भी कोई पूछता तो वो शख्स कह देते कि नहीं मैं इमाम हुसैन के लिए आया हूँ अगर इमाम हुसैन की जंग होगी तो मैं उनके साथ उनके जंग में शामिल हो जाऊंगा तो वो आदमी ऐसा ही करता है और एक दिन इमाम हुसैन की जंग हो जाती है तो ये जो शख़्स इन्हें मना कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं कि क्यों रोज़ जाता है उधर वो जाके चेक करते हैं कि ये आदमी उधर शामिल हुआ शहीदों में कि नहीं हुआ तो उन लोग ने देखा तो उसको उन उनकी मिल गई यानी अगर हम अपने दिल से और शिद्दत से इमाम का इंतज़ार करें तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं और इसीलिए हमें पता चलता है कि हमें इमाम का इंतज़ार करना इतना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी क्यों है तो अब बात करते हैं बर्थडे के बारे में सो तो हमारा बर्थडे होता है तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं बर्थडे गिफ्ट्स बर्थडे विशेष और साथ में दुआएं राइट है ना और जब इमाम का बर्थडे होता है तो क्या हमें उनको दुआएं बर्थडे गिफ्ट बर्थडे विशेष नहीं देनी चाहिए तो अगर आपने सोचा है कि आप इमाम ज़माना आलम को एक तोहफा देने वाले हैं तो एक छोटा सा कंसर्न है कि जिसके पास अल्लाह ने पूरी जन्नत और जहन्नम और दुनिया का कंट्रोल दिया है उसको क्या गिफ्ट दे सकते हैं जैसे किसी के पास मर्सिडीज कार है तो उसे मर्सिडीज कार के कैसे दे सकते हैं किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसे मोबाइल फ़ोन कैसे दे सकते हैं तो मतलब जिसके पास जो होता है उसको उसे कैसे दे सकते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इमाम जमाना के पास नहीं है लेकिन फिक्र ना करिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप इमाम को हदिया कर सकते हैं हजिया कर सकते हैं यानी तोहफा दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं वो चीज़ें क्या है तो सबसे पहला यह जो आप इमाम ज़माना को कर सकते हैं वो है कि आप अपने दिन के जमाना की शुरुआत इमाम ज़माना की याद से करें हाँ और वो कैसे वो खड़े होकर किबले की तरफ रुख कर कर झुक कर ऐसे कहें असलकम बतफ़ी अर्ज़ दूसरा कि आप हर फ्राइडे को इमाम ज़माना के लिए एक हदिया कर सकते हैं कि आप सदका निकालें वन रुपीज़ टू रुपीज़ टेन रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ कितने भी रुपए निकालें पर इम्पोर्टेंट है कि आप सदका निकालें तीसरा तहफा जब हम अपने वक्त के इमाम को दे सकते हैं वो ये है कि हम हमारे वक्त के इमाम के जहूर के लिए दुआ करें जैसे अल्लाम कुल्ले पढ़ सकते हैं या अल्लाह हम असर पर सकते हैं और वो भी नहीं तो अल्लाह माजी वाली ये कल फर्ज और अगर वो भी नहीं तो हाथ ऊपर कर कर कह सकते हैं ऐ अलाइ मामी ज़माना को जल्द से ज़हूर करवा दे चौथा तोहफा जो आप अपने वक्त के इमाम को दे सकते हैं वो ये है कि आप अपने वक्त के इमाम के हमे मारफत हासिल करें नॉलेज हासिल करें कि उनकी एज क्या थी जब वो गैबत में गए थे उनका बर्थ डेट क्या है कौन सी हिजरी में कौन से डेट पे पैदा हुए हैं और साथ में हम उनके बारे में और नॉलेज हासिल करते रहे जैसे हमने पिछले वीडियो के बारे में बात किया था मारिफत वाले वीडियो में आपको याद है ना अगर आपने वो मारिफत वाला वीडियो नहीं देखा तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं मूविंग ऑन हम फिफ्थ वाले तोहफे पर जाते हैं तो फिफ्थ वाला तोहफा और सबसे इम्पोर्टेंट तोहफा के हम इमाम से बात करें इमाम से कनेक्ट करें पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे और कंसर्न आ रहा होगा आपको कि इमाम से कैसे बात करें वो तो गत में है पर आप किबले की तरफ रुख करें और ऐसे बात करें जैसे इमाम आपके सामने बैठे हैं ऐसे सीक्रेट्स बता सकते हैं आप जो किसी और को नहीं बता सकते ऐसे आपको अल्लाह से कुछ चाहिए आप इमाम से कह सकते हैं आपको कोई सता रहा है तो आप इमाम से कह सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो आप दूसरों को नहीं बता सकते आप इमाम को बता सकते हैं तो आज हमने जाना कि इमाम जमाना सलाम का इंतजार कैसे किया जाता है और उनको कैसे तोहफे दिए जाते हैं और क्या तोहफे दिए जाते हैं मुझे उम्मीद है कि आप एक दो तीन या पूरे के पूरे, पूरे पांच ही तोहफे दे देंगे इमाम जमाना सलाम को और यंग मुंतज़िर की तरफ से آپ کو امام زمانا علیه السلام کی ولادت مبارک ہو اور اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں یا ای عزیز دل فاتمه نظر کن که چشم انتظاریم همه به قلب علی گوی زهرو قسم که ما اهدمون با خدا محکم अल्लाह तला फरमाता है और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए अमर बिल मारूफ की तरफ यानी नेकी का हुक्म देना हम पर फर्ज है आइए हम सब मिलकर हुसैनिया टीवी का साथ दें और नेकी का हिस्सा बने